बालक के रेप के बाद हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। कानपुर में बेटी के शव के पोस्टमार्टम के बाद देर शाम को शव पीड़िता के गांव लाया गया। बेटी का शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं अंतिम संस्कार कराने के लिए प्रशासन परिजनों को मनाने में था जुटा। काफ़ी देर बाद दुष्कर्म पीड़िता के परिजन शव दफनाने के लिए हुए हैं राजी। डीएम एसपी से वार्ता के बाद शव दफन के लिए परिजन राजी हुए। परिजन अपने ही खेत में शव को करेंगे दफन। डीएम ने रेप पीड़िता के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की परिजनों से बात कही। वहीं प्रशासन की ओर से 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। वहीं डीएम ने रेप पीड़िता के आरोपियों की जल्द करेगी गिरफ्तारी। अभी तक पुलिस आरोपी को नहीं कर सकी है गिरफ्तार। गांव में पसरा मातम का माहौल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई शर्मनाक दुष्कर्म की घटना के बाद मासूम की मौत से पूरा देश हिल गया है। 10 मार्च मंगलवार देर शाम गांव के बाहर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं गंभीर हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल में बेटी ने दम तोड़ दिया। कानपुर में बेटे के शव के पोस्टमार्टम के बाद देर शाम को शव पीड़िता के गांव लाया गया। बेटी का शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पेश है उन्नाव के संवाददाता सहवान मलिक की खास रिपोर्ट।